इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के तहत अगर कोई व्हीकल ड्राइवर किसी अनबाउंड एलसी पर निगलिजेंसी के कारण क्रॉस करता है तो ऐसे एक्सीडेंट के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसे ड्राइवर को सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत एक नियम बनाया गया है कि यदि कोई मोटर ड्राइवर या फिर बस ड्राइवर किसी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहा है तब उसको गाड़ी को स्टॉप करके दोनों दिशाओं में देखना होता है कोई ट्रेन या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। यदि कोई ट्रेन ट्रॉली नहीं आ रही है तभी वह किसी लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर सकता है। इंडियन रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 130 कहता है कि यदि कोई मोटर ड्राइवर या फिर कोई अन्य पर्सन किसी क्लोज्ड एलसी का गेट यदि ओपन करके जाता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और यदि कोई व्यक्ति किसी गेट को तोड़ करके या डैमेज करके जाता है तो उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए रेलवे कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। किसी भी बंद लेवल क्रॉसिंग गेट को पार करते समय सबसे बड़ा जोखिम उस मोटर ड्राइवर को होता है जो उसे पार कर रहा है। आप पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और इस वीडियो में वो मरते मरते बच गया। इंडियन रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 147 कहता है यदि कोई व्यक्ति रेलवे के किसी भी ट्रैक को पार करता है तो इसे ट्रेसपासिंग माना जाएगा और इसके लिए वह 1,000 रुपये का जुर्माना या फिर 6 महीने तक की सज़ा या फिर दोनों का भागीदार होगा। ट्रेसपासिंग के दौरान हुई दुर्घटनाओं के लिए इंडियन रेलवे किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।